अंतर्गत निवासी हूँ। 924 वर्ष है तो दो मुठी अंतर निवासी बहुत दबंग किस्म के लोग हैं। ये भी मेरे छोटे भाई बहुत दबंग किस्म का है और यह आए दिन घर में जो है आके जो है मारपीट करता है। और इसका उदाहरण जो है ये 9 तारीख को जो है इसने जो है हमारे बच्चे को मारा। और जब इससे थोड़ा हाथापाई हुई तो इसने जो है वहाँ पर पुलिस कुटीगंज थाने में ये मेरे बेटे का फ़ोन तोड़ दिया। ये मैंने फ़ोन तोड़ दिया, हमारे बड़े बेटे बैठ के बता आपको गाली रखने लगे। मेरे बेटे ने कहा चाची को हम अभी रिकॉर्डिंग करते हैं, इतने में उसने फ़ोन पटक के तोड़ दिया और उसको कॉलर पकड़ के मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके मुंह में उंगली डाल के मुंह मोच लिया। इतना करके अगल बगल वाले मेरे बेटे को पकड़ लिए, उसको मौका मिला और मारने का, मार के वो भाग के जाने लगा। जब भाग के जाने लगा मेरा बेटा एकदम अकेला पड़ गया। जब हम लोग आए तो कहा ऐसी सी बात है, वो मेरा बेटा भाग के जाने लगा कि हम जाते हैं ना थाने में रपट दिखाने। जब मेरा बेटा चौराहा तक पहुँचता तो उसकी मेरे बेटे को कार के अंदर से बैठ के खींच लिया, खींच के उसका सर पटकने लगा उसी में। हाँ, और फिर मेरा बेटा जो है उसको पकड़े उतने में ये आए, ये भी उसको हाथापाई हुई और वो वीडियो ऑन करके बैठा था। और वीडियो ऑन करके बैठा था, क्या मेरा काम हो गया, मैंने तुम्हारा कैरियर खा लिया, अब ना तुम सरकारी कहीं नौकरी कर सकते हो ना तुम कहीं जा सकते हो। इतना कह के वो अपनी गाड़ी बढ़ा के मुठ्ठीगंज बांस मंडी थाने में गया, उल्टा सीधा FIR उनका नाम लिखाया। ये भी गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि मेरा कोई गुहार नहीं लिखा गया। यह कि इनके ससुराल वाले बेहद रसूख वाले हैं और बेहद पैसे वाले लोग हैं, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और यह जो है गौरव भाई जो है ये ब्याज का काम करते हैं लंबा, असामाजिक तत्वों के साथ उनका उठना बैठना है, जिसकी वजह से हम लोग जो है दुकान इस समय डर डर के खोल रहे हैं। और आए दिन पुलिस का जो है चार बार पांच बार हमारे पुलिस आती है, आप चलिए आइए थाने आइए, इसमें लिखवा दीजिए ये धाराएं, डर का जो है जी रहे हैं क्योंकि इनका ब्याज काम है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारा सहयोग दें व हमारी जान माल की सुरक्षा प्रदान करें। आए दिन जो है पुलिस, यह कि इनको पुलिस का मौन समर्थन प्राप्त है। इनका विवाद है यह कि दो मकान थे 590 वाला था, एक जिसको बेचकर इन्होंने जो है वहाँ पर फ्लैट खरीद लिया, अशोक नगर में वहाँ फ्लैट खरीद लिया। और फिर उसके बाद बाबूजी ने कहा ऐसा करो तुम उसमें पैसा ना लो, तुमको जो है यह मकान जिसमें तुम रह रहे हो ये तुमको जो है पूरा मिलेगा, क्योंकि ये मकान हमारे पैसा के, यही इनके इनके फादर जो है धीरे धीरे फादर उनका पैसा देते गए। हमने कहा चलो बनवाते चलो धीरे धीरे, हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं तुम्हारा मकान चाहता हूँ, ये धीरे धीरे पैसा मिलता गया करते करते चले गए। हमारी एक छोटी दुकान जिसकी वजह से जो अपना जिससे जीवन यापन कर रहे हैं, अब उसमें आए दिन पुलिस का फ़ोन आएगा कि थानेदार साहब बुला रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं, यहाँ आओ वहाँ, हम दुकान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इस समय हम डर के उसमें हैं, तुमको मरवा डालें कम करवा देंगे। कई बार धमकी तो कई बार दे चुका, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, धमकी कई बार दे इसको तो ऐसा गायब करा लूँगा मुझे पता भी नहीं चला, कई बार धमकी दूसरा दे चुका, कई नंबरों से फोन आता है, कुछ मिस कॉल भी आ रहे हैं लेकिन हम खा नहीं रहे हैं। आप लोग खाने गए होंगे जी, खाने गए, मिस खाने कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बहुत बहुत बड़ी टाइप का है। अब जमाने ऐसा ब्याज में ये हम अपने वकील साहब से जो है ये यही लिखाए थे कि जो है वकील साहब पास गए थे तो उन्होंने एक SPCP को दे दिया है, एक मुख्यमंत्री जी को दे दिया है, एक पोर्टल मुख्यमंत्री जी को भेज दिया गया है। अब यह कि थोड़ा सा आप लोग जो भी समझना चाहते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई जानलेवा हमला होता है या हमारी स्त्री के ऊपर कोई जानलेवा हमला होता है तो आप लोग कृपया हमारी मदद करिएगा, हमारे बच्चों की मदद करिएगा, ये हमारा विनय निवेदन है, विनय निवेदन है कि अगर हमको कुछ हो जाता है तो इनको आप जो है गौरव जी को आप लोग समझ लीजिएगा, चाहे जिस तरह से, चाहे अधिकारियों के सहयोग से, चाहे जैसे भी आप लोग इनको एकदम कहते हैं इतना परेशान कर दें खुद सुसाइड करो। अभी कल इन्होंने नीचे से चिल्ला कहा है कि तुम्हारा घर तो खुला ना, घर घुसवा कैसे करवाएंगे। मकान था, एक मकान बेच दिया पापा जी ने, बेच के उस पैसे से अपनी छोटी बहू के नाम पर पति ले लिया।
अपने आप के पिताजी भी उनके पक्ष में, उनके पिताजी भी उनके पक्ष में है, यानी 15 साल से जो है 16 साल हो गए इनकी शादी को। ये मकान पूरा मेरे मालकिन के पैसे से बना है, इसमें ससुर का एक रुपए भी नहीं लगा है। मकान है बाबा जी के नाम से, इनके बाबा जी के नाम से मकान बना मेरे मायके के पैसे से। जो भी ज्वेलरी थी हमने बेच के, आपकी छोटी सिस्टर की शादी में मेरा पैसा लग गया, बाकी ज्वेलरी सास रखी थी। चाहते हैं कि आपका सपोर्ट मिले कि अगर जैसे हमको कोई दिक्कत हो जाती है तो आप हमारे घर में ना पूरी जान माल की हमारी मदद करिए, पूरी सपोर्ट हम चाहते हैं, आप सपोर्ट चाहते हैं कि हम डर डर के कब तक जिएंगे। ना हमारे घर में सब्जी वाला आ सकता, ना दूध वाला आ रहा, ना मेरे बच्चों को सर पढ़ाने आ रहा है, ना काम वाली आ रही है, ताला लगा के कब तक हम रहेंगे। ऐसा कोई हमने काम तो किया नहीं है कि हमारे ऊपर जो है पुलिस का जो है बार बार जो है फोन आए, आप थाने आइए, आप थाने आइए, हम क्यों थाने में। पुलिस कह रहा अगर आप नहीं आए कोई ना हमारा ना कोई हमारी दिखा देंगे, ना कोई हमारी हिस्ट्री है, ना कोई हमारी हिस्ट्री है, ना कोई कुछ है। हम सीधे सारे दुकानदार जीवन भर अपना दाल रोटी वही कमाते रहे, खाते रहे, बच्चों को पालते रहे। अब इस समय जो है ये गौरव जी जो है एकदम पूरी तरीके से जो है एकदम हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। यह कि मैं दीपक गुप्ता मुट्ठीगंज का निवासी हूँ, यह मेरा छोटा मोटा कारोबार है। मेरे पिताजी श्री रामचंद्र गुप्ता, उनके दो बेटे दीपक गुप्ता व गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता आए दिन हमारे घर में घुसकर गाली गलौज मारपीट करते हैं। यह कि 9 तारीख को इन्होंने तो इतनी हद कर दी कि मैं वो मेरा बेटा अकेला बैठा हुआ था, उसको मारा पीटा, फिर उसके बाद उनको मारे पीटने के बाद जो है थाने में इन्होंने जो है रिपोर्ट लिखा दी। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारी जो है कोई सुनवाई ना होने की वजह से मैं परेशान था। दूसरे दिन हमारी बेल हुई, बेल होने के बाद जो है इनका अब आए दिन जो है किसी न किसी रूप में थाने से फोन आ रहा है और मुझे परेशान किया जा रहा है। समझ लीजिए वो जो है उनको जो है मौत समर्थन प्राप्त है, वह कि मिठाई व नमकीन व बाकायदा गौरव जी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनका ब्याज का काम, उनका ब्याज का काम है और यह कुछ करते होते हैं नहीं। और मकान पे नीचे से लेकर पूरा मेरा कब्जा है और जिसकी वजह से जो है ये कोशिश में लगे हुए हैं कि यहाँ घुस के जो है हम पूरा कब्जा करके इसको मार पीट के जो है बेदखल कर। मामला यहाँ मकान का है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, हमारे हम ही को मुलजिम बना दिया, हम ही को सब कुछ बना दिया और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आए दिन पुलिस का जो है ये थाने से अभी अभी फोन आ रहा। क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि वहाँ से कोई फोन ना आए और यह कि आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहे, हमारी बातों को ऊँचे अधिकारियों के पास पहुँचाया जाए कि इनकी जान माल की रक्षा की जाए। हमारे दोनों बच्चे वहाँ अकेले हैं, यहाँ पर मैं किसी तरह जो है अपनी जान बचा के जो है किसी तरह से आप लोगों के पास मदद के लिए गुहार के लिए आया। अपना परिचय बता दे। मैं दीपक गुप्ता। मेरा देवर मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरे बेटों को आके मारता है, ड्रिंक करके आता है, कपड़े खोल के कहता है मैं लड़ूंगा तुमसे, मारूंगा पीटूंगा, मुझे मेरे पावर को तुम अभी पकड़ नहीं पाओगे, मेरा पावर कहाँ तक है, मकान दो मुझे, मकान से निकलो तुम, अगर मकान से नहीं निकलोगे तो तुमको हम किसी भी तरीके से मकान में हम कब्जा कर लेंगे। अभी हाल ही में आप बता रहे कि क्या घटना, किस तरह की घटना? 9 तारीख को ये आया, 9 तारीख को आता है दुकान पे, देखता कोई नहीं है, बड़े लोग कोई नहीं, मेरा बेटा कस्टमर को माल दिखा रहा था, आते ही ईमान जो है उसको माँ बहन की गाली बकने लगा। मेरा बेटा बोला कैसे बोल रहे चाचू, तो कहता क्या है फिर गाली बकता, उसकी साइकिल लगी थी, साइकिल उठा के पटक दिया। मेरा बेटा कहता हम वीडियो बना रहे हैं, अब आप बोलिए, उतने में उसका फ़ोन खींच के तोड़ के पटक दिया। पटकने के बाद उसका कॉलर पकड़ के उसको पंच उसके पेट में मारा, मुंह पे नहीं मारा कि कहीं ब्लड ना आ जाए, उसके पेट में मारा, उसका बाल पकड़ के उसके गर्दन में मारा। मारने पर अगल बगल के लोग मेरे बेटे को पकड़ लेते हैं, उसको मौका मिलते मान वो भाग जाता है। जैसे ही भाग के जाता है हम पहुंचते हैं वहाँ पे घटना के जगह पे, तो मेरा बेटा रो रहा था, कहता है मम्मा देखिए मेरा फ़ोन तोड़ दिया मेरा। फिर उसके बाद ये लगातार कोई ना कोई माफिया से मेरे पास मिस कॉल आता है, फ़ोन नहीं करता, और वो आके नीचे घर नीचे गाली गलौज करता, मकान खाली कर दो, मकान कब्जा करके रहेंगे, मकान खाली कर दो। हाँ, और जबरदस्ती मेरे मकान के अंदर घुसना चाहता है, जो कि इसका कोई वहाँ से लेना देना नहीं है। 16 साल पहले इसकी शादी हुई थी, मेरे ससुर पास 2 मकान था,
ससुर की बनाई संपत्ति कुछ भी नहीं है, सब बाबा जी की, इनके बाबा जी की बनाई संपत्ति है।